वैसे तो जंगल में उन जानवरों का दबदबा होता है जो फूड चेन में टॉप पर होते हैं। ये जानवर बेहद हिंसक शिकारी जानवर होते हैं। जंगल का लगभग हर जानवर इनसे डरता है और ये पल भर में सामने वाले जानवर को मारने का दम रखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी जानवर टाइगर को जंगल के एक और सबसे बहादुर शिकारी जानवर हनी बेजर से लड़वाने वाले हैं। हालांकि हनी बेजर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो बहादुरी के मामले में सबसे आगे है। तो क्या इस लड़ाई में हनी बेजर टाइगर को हरा देगा या फिर टाइगर हनी बेजर का शिकार कर लेगा? जो भी है वो सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के वीडियोस देखते रहते हो तो आपको टाइगर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टाइगर कितना खतरनाक, कितना ताकतवर और कितना शातिर शिकारी जानवर है। टाइगर के रहने वाले इलाकों की अगर हम बात करें तो टाइगर सिर्फ एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप उसका प्राकृतिक घर है। उसके अलावा दुनिया भर में टाइगर को चिड़ियाघरों में लोगों को दिखाने के लिए भी रखा गया है। एक मज़ेदार बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने टाइगर जंगलों में पाए जाते हैं उससे ज़्यादा टाइगर तो दुनिया भर के चिड़ियाघरों और कुछ अमीर लोगों द्वारा पाले गए हैं। तो अब आप सोच लो कि जंगलों में इस खतरनाक शिकारी जानवर की आबादी कितनी कम है। वैसे कभी आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों टाइगर इतने खतरनाक शिकारी जानवर होते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर टाइगर इस दुनिया में है क्यों, टाइगर का शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, जंगलों में टाइगर का सामना किन किन जानवरों से होता है और टाइगर किस परिवार से ताल्लुक रखता है। ये सारी बातें मैटर करती है कि टाइगर क्यों इतना खतरनाक है। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि टाइगर शिकारी जानवर है और ये कोई छोटा मोटा शिकारी जानवर नहीं है, ये बेहद ही खतरनाक घातक शिकारी जानवर है। जिन इलाकों में ये रहते हैं उन इलाकों के ये टॉप शिकारी जानवर है। यहाँ तक कि अगर टाइगर को एशिया महाद्वीप के अलावा दुनिया के किसी दूसरे महाद्वीप में ले जाकर छोड़ा जाए तब भी वहाँ पर टाइगर टॉप शिकारी जानवर होगा, क्योंकि टाइगर उस जानवर का नाम है जिसके सामने मुझे नहीं लगता कोई जानवर टिक पाएगा। क्योंकि टाइगर के पास हर वो एक एडवांटेज है जिसकी मदद से वो किसी भी जानवर को धूल चटाने की ताकत रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि टाइगर एक कुत्ते के बराबर का जानवर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बंगाल टाइगर 1.1 मीटर ऊंचा, 3.1 मीटर लंबा और लगभग 260 किलो वजनी होता है और एक साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर लंबा और लगभग 320 किलो वजनी होता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा शिकारी जानवर नहीं है। अगर टाइगर के खतरनाकपन की बात करें तो टाइगर इतना खतरनाक होता है कि वो जंगल के हाथी जैसे बड़े जानवर पर भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी जानवर पर वो हमला करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कभी कभी आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें टाइगर भागता हुआ नजर आया होगा। ऐसा तब होता है जब टाइगर की उम्र या तो कम हो या फिर टाइगर शिकार करने के मूड में ना हो। ताकतवर और खतरनाक होना ही जंगल में सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। टाइगर सिर्फ जरूरत के हिसाब से शिकार करते हैं। अगर फिलहाल में टाइगर ने शिकार किया हो तो वो बिना मतलब में जानवरों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर जंगल में शिकार की कमी है तो टाइगर किसी भी जानवर पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। मेरे कहने का मतलब टाइगर आसपास के वातावरण में हो रही घटनाओं के आधार पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। अगर इंसानों पर हमला करने की बात करें तो वैसे तो टाइगर इंसानों को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अगर टाइगर के पास उसके बच्चे हैं या फिर टाइगर भूखा है तो टाइगर हमला करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता। चलिए ये सब तो एक टाइगर के बारे में था, अब जानते हैं एक हनी बेजर के बारे में। हनी बेजर को भी कम समझने की भूल कभी मत करना। आप ही सोचो आखिर क्यों मैंने टाइगर को हनी बेजर से लड़वाया है। हनी बेजर इतना खतरनाक शिकारी जानवर होता है कि वो टाइगर, शेर, तेंदुआ जैसे खतरनाक शिकारी जानवरों से भिड़ बैठता है। हनी बेजर ताकत, रफ्तार,
बिना डरे हमला करने और बहुत ही मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है। हनी बेजर बहुत देर तक बिना थके किसी भी जानवर से लड़ सकता है। अफ्रीका के जंगलों में हनी बेजर का सामना शेरों, लकड़बग्गों, जंगली कुत्तों और तेंदुओं से होता ही रहता है। उसके अलावा सांप और मॉनिटर लिजर्ड जैसे जानवर तो हनी बेजर से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हनी बेजर इन पर बिना डरे हमला करते हैं और इनका शिकार कर लेते हैं। शायद ही कभी कभार कोई हनी बेजर किसी बड़े शिकारी जानवर द्वारा मारा जाता हो। हनी बेजर जब शिकार पर निकलते हैं तो वो बिना डरे अपने इलाके में शिकार ढूंढने लग जाते हैं, फिर चाहे उस इलाके में कोई सा भी कितना भी खतरनाक शिकारी जानवर क्यों ना हो। इसीलिए हनी बेजर का मुकाबला शेर और लकड़बग्गों से होता ही रहता है। वैसे हनी बेजर कोई ज़्यादा बड़ा शिकारी जानवर नहीं है। इसकी लंबाई सिर्फ 32 इंच तक होती है और वजन लगभग 15 किलो तक। लेकिन ये इतना सा जानवर इन बड़े बड़े खतरनाक शिकारी जानवरों से भीड़ बैठता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक शिकारी जानवर है। लोग इस जानवर को रेटल के नाम से भी जानते हैं। इनके मुंह में काफ़ी तेज नुकीले दांत और हाथों में तेज नुकीले पंजे होते हैं। दूसरे जानवरों पर हमला करते समय इनकी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही होती है, उस वजह से इन्हें काफ़ी अग्रेसिव जानवरों की गिनती में रखा गया है। अगर आप इनके रास्ते में आते हो तो आप पर भी ये हमला करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। वैसे हनी बेजर की सबसे ज़्यादा आबादी अफ्रीका में है, लेकिन ये इंडिया तक भी पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है और इंडिया में जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा घने हैं, तो हम इंसानों को पता ही नहीं चलता कि कभी टाइगर का सामना हनी बेजर से हुआ भी है या नहीं। मेरे ख्याल से अगर टाइगर का सामना हनी बेजर से कभी होता है तो वो टाइगर पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो उस पर हमला करेगा या नहीं। अगर टाइगर भूखा है तो वो हनी बेजर पर तुरंत हमला करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो टाइगर हनी बेजर को अवॉइड कर देगा। लेकिन टाइगर अगर कुछ ज़्यादा ही भूखा है तो वो फिर हनी बेजर पर हमला करने की सोचेगा, क्योंकि उसे पता है अगर इस जानवर पर मैं हमला करूँगा तो मुझे इसको मारने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर हनी बेजर का सामना टाइगर से होता है तो मेरे ख्याल से दो मामले हो सकते हैं। एक तो ऐसे हो सकता है कि हनी बेजर जैसे ही टाइगर को देखेगा वो भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है टाइगर कितना खतरनाक ताकतवर शिकारी जानवर है। लेकिन अगर हनी बेजर को पता ही ना चले और टाइगर उस पर हमला कर देता है तो हनी बेजर लड़ने की पूरी कोशिश करेगा और टाइगर भी उसको मारने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन टाइगर के लिए यहाँ हनी बेजर को मारना इतना आसान नहीं होगा। अगर टाइगर पूरी तरह से जवान व भूखा है तो वो हनी बेजर को मार कर खा जाएगा, भली से हनी बेजर का शरीर बहुत ही मजबूत क्यों ना हो। लेकिन टाइगर के पास बहुत ही खतरनाक पंजे, तेज नुकीले दांत और 1000 PSI का बाइट फोर्स है। टाइगर के इन्हीं एडवांटेज की वजह से टाइगर हनी बेजर का शिकार कर लेगा। वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।